चलिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि है इन्फ्लामेशन। हम इन्फ्लामेशन की पहले ही बात कर चुके हैं। इन्फ्लामेशन को हिंदी में सूजन बोलते हैं, और इन्फ्लामेशन वो रिएक्शन होती है जिससे बॉडी में रेडनेस, वॉर्म, स्वेलिंग और पेन प्रोड्यूस होता है किसी इन्फेक्शन के कारण या फिर किसी इंजरी के कारण। वो सब क्या कहलाती है? इन्फ्लामेशन। आर रिएक्शन दैट प्रोड्यूस रेडनेस, वॉर्म, स्वेलिंग एंड पेन एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन और इंजरी। या तो किसी इन्फेक्शन के कारण ये चारों पांचों साइन होते हैं, या किसी इंजरी के कारण अगर ये चारों पांचों साइन हो तो क्या क्या कहलाता है? वो इन्फ्लामेशन कहलाता है। अब इसकी देखते हैं हम इटियोलॉजी, और इटियोलॉजी में बहुत सारे रीजंस होते हैं इन्फ्लामेशन का, कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे हम मैकेनिकल। मैकेनिकल यानी कि ट्रोमा, यानी कोई कि कोई भी एक्सटर्नल वॉयलेंस, कोई भी आप कोई जैसे किसी भी पशु को आप किसी डंडे से या लाठी से मारोगे तो क्या होगा? सूजन ही होगी उसके, तो वो ट्रोमा में आता है, गिरने से, चोट खाने से। वो सब किस में आएगा? मैकेनिकल में आएगा, ठीक है ना। केमिकल, केमिकल यानी कि कोई एसिड, बेस या कोई भी केमिकल अगर बॉडी के ऊपर गिर जाता है तो वो क्या करता है? इन्फ्लामेशन कोज करता है, सूजन कर देता है। जैसे कि कास्टिक पोटास हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सिल्वर नाइट्रेट हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया। ये सारे के सारे केमिकल ऐसे हैं अगर ये शरीर के ऊपर गिर जाए तो जला देते हैं, और क्या कॉज करेंगे? इन्फ्लामेशन कोज कर देते हैं, सूजन कर देते हैं। फिजिकल में आता है एक्सेसिव कोल्ड या फिर हीट, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशंस। अगर बहुत ज़्यादा ठंड में या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी में या इलेक्ट्रिसिटी या रेडिएशन से भी क्या हो सकती है? इन्फ्लामेशन हो सकती है। इन्फेक्शियस में आपको पहले ही बताते आ रहा हूँ कि इन्फेक्शियस में पांच छह बैक्टीरिया ये हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, सुडोमोनास, एस्कर्सिया कोलाई, साल्मोनेला। ये सब क्या करते हैं? यही बैक्टीरिया इन्फ्लामेशन भी करते हैं और पस फॉर्मेशन भी करते हैं, एब्सेस फॉर्मेशन भी करते हैं। यही बैक्टीरिया हैं, ये पांच छह बैक्टीरिया आप अच्छे से याद कर लो, जो आपके एग्जाम में आप आराम से उसको लिख सकते हो। तो इन्फ्लामेशन के लिए भी इन्फेक्शियस यही होते हैं। तो फाइव क्लासिकल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, पांच साइन होते हैं जो इन्फ्लामेशन के होते हैं, तभी हम इनको कहते हैं कि ये इन्फ्लामेशन है। सबसे पहले रूबोर, रूबोर से रेडनेस, यानी कि जहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी वो हिस्सा क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। किस लिए हो जाएगा? ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो, क्योंकि उस हिस्से में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो वो हिस्सा क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ट्यूमर यानी कि ट्यूमर, ट्यूमर नाम से पता लग रहा है, ट्यूमर यानी कि स्वेलिंग, सूजा हुआ। तो जहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी एक तो वो लाल होगा, दूसरा उसका साइन क्या होगा? वो सूजा हुआ होगा। वो सूजेगा क्यों? क्योंकि उस सूजन के अंदर मांसपेशियों के अंदर क्या इकट्ठा हो जाएगा? फ्लूड इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूड। अगर मांसपेशियों के अंदर फ्लूड इकट्ठा हो गया तो वो आपको कैसा दिखेगा? सूजा हुआ। कालोर यानी कि हीट, हीट भी क्यों होगी? क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो ब्लड, खून क्या होता है? गर्म होता है, तो उस हिस्से में अगर ब्लड फ्लो बढ़ गया तो वो हिस्सा दूसरे हिस्सों के मुकाबले थोड़ा सा गर्म होगा, तो इसी को बोलते हैं हम हीट। डॉलर यानी कि पेन, पेन किस लिए होगा? क्योंकि जहाँ पर इन्फ्लामेशन हुई है वहाँ पर हिस्टामाइंस या फिर कोई केमिकल टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं जो क्या क्रिएट करते हैं? पेन क्रिएट करते हैं। फंक्शियोलेसिया यानी कि लॉस ऑफ फंक्शन, और जिस हिस्से में इन्फ्लामेशन हुई है वो हिस्सा अपना काम करना छोड़ देता है। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, अगर इन्फ्लामेशन के साथ साथ कुछ टेम्परेचर भी है तो ये पुख्ता हो जाता है कि ये जो इन्फ्लामेशन है ये इन्फेक्शन के कारण है, या तो किसी बैक्टीरिया के कारण है या किसी वायरस के कारण है। अगर इन्फ्लामेशन के साथ बुखार भी है तो ये समझ लेना कि ये इन्फ्लामेशन शादी नहीं है, ये इसमें क्या इन्वॉल्व है? पैथोजन इन्वॉल्व है, यानी कि किसी पैथोजन के कारण है, बैक्टीरिया हो या वायरस हो, फंजाई हो, कोई भी हो सकता है, ठीक ना। अगला है टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन। अब कितने प्रकार की इन्फ्लामेशन होती है? दो प्रकार की इन्फ्लामेशन होती है, एक तो होती है एक्यूट इन्फ्लामेशन, एक होती है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन जो तुरंत हुई है, और तुरंत वही होती है जिसका अटैक क्या हो? सीवियर हो, बहुत ही घातक हो, जिसको हमारा शरीर झेल ना पाए। अब हमारा शरीर नहीं झेलेगा तो क्या होगा? अचानक क्या आ जाएगी? सूजन आ जाएगी। तो वही होती है एक्यूट इन्फ्लामेशन। इट इज कॉज्ड बाय सीवियर इरिटेंट, सीवियर यानी कि घातक, दैट इज सो स्ट्रॉन्ग दैट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी कैन नॉट फेस इट। ये इतनी घातक होती है
कि जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता है हमारी बॉडी की, वो इसको फेस नहीं कर पाती, और क्या हो जाती है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसी जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होती है, इसकी जो स्वेलिंग होगी वो रेड कलर की होगी और पेनफुल होगी। अगला है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। क्रॉनिक यानी कि धीरे धीरे, अगर बार बार कोई रिपीटली अटैक हो रहा है इरिटेंट का, लेकिन वो इतना कम है कि हमारी बॉडी उसको झेल पा रही है, तो वो क्या करेगा, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कॉज कर देगा। और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ना तो रेड होती है और ना ही क्या होती है, पेनफुल होती है। आपने आंटन देखे होंगे हाथों में, वो किसका एग्जाम्पल है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का एग्जाम्पल है। अगर आप खेतों में काम करते हैं तो जो आप कस्सी फावड़ा जो भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके हाथों में क्या करता है, लगातार क्या करता है, इरिटेंट अटैक करता है, लेकिन उसका इतना घातक नहीं होता कि आपकी बॉडी उसको फेस करती है, लेकिन धीरे धीरे करके वो क्या पड़ जाते हैं, आंठन पड़ जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा वो जो आंठन होती हैं वो ना तो पेनफुल होती हैं और ना ही क्या होती हैं, रेड होती हैं। तो इन्फ्लामेशन में सफिक्स लगा होता है पीछे, ITIS लगा होगा, तो उसका मतलब क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। ये आप पढ़ लेना, ये याद करने ही पड़ेंगे आपको, इनमें से ओटी फिलअप में पूछा जाता है। अब आता है आउटकम ऑफ इन्फ्लामेशन। आउटकम यानी कि कौन सी पॉसिबिलिटी है कि इन्फ्लामेशन किस में कन्वर्ट हो सकती है, अगर कोई सूजन हुई है तो क्या क्या उसमें हो सकता है। तो सबसे पहला आउटकम है रीसॉल्यूशन। तो अगर इन्फ्लामेशन है तो अगर उसके अंदर फ्लूड भरा हुआ है, फ्लूड एक्यूमुलेट है, तो बॉडी उस फ्लूड को रीएब्जॉर्ब कर लेगी और वो इन्फ्लामेशन क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाती है। अगर उस बॉडी के अंदर क्या भरा हो, फ्लूड भरा हो, तो द कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ इन्फ्लेम्ड टिश्यू बैक टू ए नॉर्मल स्टेटस इज नोन एज रीसॉल्यूशन। यानी कि अगर इन्फ्लामेशन हुई थी और उसके अंदर फ्लूड भरा है और वो इन्फ्लामेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्यों ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो हमारी जो फ्लूड एक्यूमुलेट था मसल्स के बीच में, जो जो स्वेलिंग कर रहा था, जो इन्फ्लामेशन कर रहा था, वो क्या हो जाता है, बॉडी में वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है और बॉडी इन्फ्लामेशन क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। अगला है सप्रेशन। सप्रेशन में क्या होता है, ये बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, और क्या प्रोड्यूस हो जाती है, इसमें पस फॉर्मेशन हो जाती है। तो अगली आउटकम क्या हो सकती है, इन्फ्लामेशन गैंग्रीन में भी कन्वर्ट हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फ्लामेशन है और बहुत ज़्यादा टिश्यू की डेथ हो जाती है इन्फ्लामेशन के कारण, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है। अगला है फाइब्रोसिस इंड्यूरेशन बोलते हैं। अगर रीसॉल्यूशन अच्छे से नहीं होता है, पूरी तरह से फ्लूड एक्यूमुलेट, जो जो टिश्यू के अंदर फ्लूड एक्यूमुलेट था उस, वो रीएब्जॉर्ब नहीं होता है, तो टिश्यू बाद में क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, और वो किसका रूप ले लेते हैं, फाइब्रोसिस का। और अगला है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में क्या होता है, जो एजेंट इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा था, अगर उसको रिमूव नहीं किया गया, वो परसिस्ट कर रहा है, वहाँ पर प्रेजेंट है, तो एक्यूट इन्फ्लामेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। अब आती है इसकी ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन। ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन में आप एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर इन्फ्लामेशन एक्यूट है, एक्यूट का मतलब अगर आपके पास केस 48 घंटे से पहले आया है, तो आप कोल्ड और एस्ट्रिंजेंट्स का यूज़ करेंगे। अगर आप इन्फ्लामेशन क्रॉनिक है, यानी कि केस आपके पास 48 घंटे के बाद आया है, तो आप हॉट एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करोगे। इतनी छोटी सी बात आपको इसमें ध्यान में रखनी है। तो देख लेते हैं एक बार, कोल्ड एंड एस्ट्रिंजेंट एप्लीकेशन। कोल्ड एंड एस्ट्रिंजेंट्स एप्लीकेशंस आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। आपको इनका इस्तेमाल किस में करना है, एक्यूट इन्फ्लामेशन में करना है, यानी कि ठंडे पानी से सिकाई करो, बर्फ़ से सिकाई करो, या फिर व्हाइट लोशन से सिकाई करो। लेकिन ये ठंडे पानी का या फिर आइस का, बर्फ़ का किस में इस्तेमाल करना है, एक्यूट इन्फ्लामेशन में करना है। और एक्यूट इन्फ्लामेशन वो होती है जो केस आपके पास 48 घंटे से पहले आए, तो ये आपको किस में करना है, एक्यूट इन्फ्लामेशन में। तो एप्लीकेशन ऑफ व्हाइट लेड लोशन, ये भी एस्ट्रिंजेंट लोशन बोलते हैं, ये लेड एसीटेट 1 पार्ट, जिंक सल्फेट 3 पार्ट और डिस्टिल वाटर 80 पार्ट। इसमें क्या करना है, आपको पट्टी को डिप करना है और अफेक्टेड एरिया पे उसको बांध देना है। वो कुछ समय के लिए उसको क्या रखेगा, कोल्ड रखेगा, लेकिन बाद में आपको उसके जो पट्टी है उसके ऊपर वापस
जो एस्ट्रिंजेंट लोशन बनाया है वो डालते रहना है, जिससे कि वो लंबे समय तक उस हिस्से को ठंडक दे और वो इन्फ्लामेशन क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। अगला है हॉट फोमेंटेशन, और मैं पहले ही बता चुका हूँ जो हॉट फोमेंटेशन की जाती है ये आपकी की जाती है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में, ताकि क्रॉनिक इन्फ्लामेशन किस में कन्वर्ट हो जाए, एक्यूट में, और वो ठीक हो जाए। तो सबसे पहले बात आती है हॉट वाटर इरिगेटर। हॉट वाटर इरिगेटर कुछ भी नहीं है, गर्म पानी अफेक्टेड एरिया पे डालना होता है, जिससे कि वो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन किस में चेंज हो जाती है, एक्यूट में। और जब क्रॉनिक इन्फ्लामेशन एक्यूट में चेंज होगी तो वो स्वतः ही क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो गर्म पानी का जो टेम्परेचर होगा वो 45 से 50 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी कि 104 से 112 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, इससे ज़्यादा नहीं रखना है, नहीं तो चमड़ी जल जाएगी। अब अगला आता है हॉट वाटर बैंडेज। हॉट वाटर बैंडेज भी कुछ नहीं है, गर्म पानी में पट्टी को डुबोना है और अफेक्टेड एरिया पे बांध देना है, जिससे कि वो अफेक्टेड एरिया को क्या देगी, हीट देगी। हीट देने से क्रॉनिक इन्फ्लामेशन किस में चेंज हो जाएगी, एक्यूट में चेंज हो जाएगी, और वो स्वतः ही क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और फिर बाद में क्या करना है, पट्टी के ऊपर गर्म पानी को डालते रहना है, जिससे वो काफ़ी लंबे समय तक उस एरिया को क्या देगी, हीट देगी, और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन इज चेंज इंटू एक्यूट इन्फ्लामेशन। अगला जो टाइप, हम क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को एक्यूट में कैसे चेंज कर सकते हैं, हॉट पुल्टिस। ये पुल्टिस भी आपने खूब बांधा होगा, जब आपके चोट फोट लग जाती है, सूजन वगैरह हो जाती है, सूजन ठीक नहीं होती है, तो मम्मी गुड़ वगैरह का या बेसन का घोल वगैरह बना के उसको तवे पर गर्म करके बांधती है ना, वो पुल्टिस ही है। पुल्टिस का क्या मतलब है, अफेक्टेड एरिया को थोड़ा बहुत नमी देना और हीट देना। हीट देने से क्रॉनिक इन्फ्लामेशन किस में चेंज हो जाती है, एक्यूट में। मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का जो पुल्टिस है वो बहुत ही प्रचलित है, नमक का। इंफ्रारेड लैंप, कुछ लैंप आते हैं जिनसे क्या निकलती है, रेज निकलती है, इंफ्रारेज। उनको क्या करते हैं, जो अफेक्टेड एरिया है यानी कि जहाँ पे सूजन हो रखी है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो रखी है, उसको उस लैंप के आगे रखते हैं, तो वो जो अफेक्टेड एरिया है वो लैंप से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा अफेक्टेड एरिया। अब गर्म होने से क्या होगा, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्यूट में कन्वर्ट हो जाएगी। अगला है फायरिंग। फायरिंग कुछ नहीं है, किसी भी चीज़ को लाल लाल गर्म करके, लाल गर्म करके एक्यू इन्फ्लामेशन के ऊपर लगाया जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, फायरिंग। ऐसा करने से क्रॉनिक इन्फ्लामेशन किस में चेंज हो जाती है, एक्यूट में। कुछ मेडिक्रीम्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि बॉडी को हीट देती हैं, और इरिटेंट्स भी हैं जो कि जो अफेक्टेड एरिया है उसको हीट देंगे। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं पिछले क्लास फार्मेसीज में, रूबी फेसेंट्स, ब्लिस्टर वगैरह का। तो ये क्या करते हैं, अफेक्टेड एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देते हैं, और अफेक्टेड एरिया को क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट देते हैं, जिससे कि क्रॉनिक इन्फ्लामेशन किस में चेंज हो जाती है, एक्यूट में चेंज हो जाती है। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, फायरिंग है। फायरिंग में आपको पहले ही बता चुका हूँ, किसी भी चीज़ को लाल गर्म करके इन्फ्लामेशन के ऊपर लगाया जाता है, सूजन के ऊपर लगाया जाता है, तो वो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक्यूट में, और वो स्वतः ही क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो सबसे पहला है सुपरफिशियल लाइन फायरिंग। देखिए डेफिनेशन को तोड़िए, सुपरफिशियल यानी कि केवल कहाँ लगाना है, चमड़ी पे, लाइन यानी कि लंबाई में लगाना है, फायरिंग यानी कि गर्म करके लगाना है, तो बस बन गई आपकी डेफिनेशन। फायरिंग आयरन फ्लैट इज यूज इन दिस मेथड। आयरन आयरन फ्लैट का इस्तेमाल का यूज करोगे, जो चपटा होगा उसी आयरन का, लोहे का इस्तेमाल करोगे। रेड हॉट आयरन इज अप्लाइड ऑन द अफेक्टेड एरिया इन फॉर्म ऑफ ए लाइन। किसके रूप में लगाओगे, एक रेखा के, एक लाइन के रूप में लगाओगे। लाइन शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। अगर आप दो लगा रहे हो तो दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, समानांतर होनी चाहिए। आयरन दिस आयरन इज पुट ऑन द स्किन अंटिल इट गेट ए लाइन ऑफ ब्राउन कलर। और ये चमड़ी तक जब तक रखनी है जब तक हल्की भूरे रंग की क्या ना आ जाए, लाइन आ जाए, यानी कि इतना भी गहरा भी नहीं रखना कि चमड़ी को जलाकर वो मसल्स के अंदर चले जाए, यानी कि आपको किस किस को जलाना है, केवल चमड़ी को। आयरन मस्ट नॉट क्रॉस स्किन, ये ध्यान में रखना है। अगला है सुपरफिशियल पॉइंट फायरिंग। देखिए डेफिनेशन को तोड़िए, सुपरफिशियल यानी कि केवल चमड़ी चमड़ी को जलाना है आपको, पॉइंट फायरिंग यानी कि कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, एक टिकारी सी बनानी है, फायरिंग यानी कि रेड हॉट करके लगाना है। तो फायरिंग
आयरन पॉइंट इज यूज इन दिस मेथड। इसमें किसका इस्तेमाल करोगे? आयरन पॉइंट का। रेड हॉट फायरिंग आयरन पॉइंट इज अप्लाइड ऑन द अफेक्टेड एरिया। जो रेड हॉट आयरन कोई भी पॉइंट टिकारी आपको अफेक्टेड एरिया पे लगानी है, और तब तक लगाए रखनी है जब तक चमड़ी भूरी ना हो जाए। ऑन द अफेक्टेड एरिया एंड इट इज कैप्ट देयर अंटिल द स्किन गॉट ब्राउन कलर। और जब तक लगाए रखनी है जब तक चमड़ी क्या ना हो जाए, भूरी ना हो जाए। ऑब्जेक्टिव फायरिंग, ऑब्जेक्टिव फायरिंग में आपको कुछ नहीं है, अभी लिखा है। ऑब्जेक्टिव फायरिंग में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फायरिंग में कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव फायरिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको लाल गर्म करना है और उसको चमड़ी पर रख देना है, और जब तक रखना है जब तक चमड़ी भूरे कलर की ना हो जाए। अगला है निडल पॉइंट फायरिंग। नाम से ही देखिए, निडल, निडल क्या करती है? पेनिट्रेट करती है। पेनिट्रेट यानी कि धसती है, अंदर जाती है, और पॉइंट यानी कि लगाना है। केवल कोई भी सुई को गर्म करना है और उसको अफेक्टेड एरिया पे लगाना है, और जब तक लगाना है जब तक वो चमड़ी को भेद के मसल्स के अंदर नहीं पहुंच जाती। तो इन दिस टाइप ऑफ फायरिंग लॉन्ग एंड थिन निडल्स आर यूज्ड। इसमें कौन सा? पतली और लंबी निडल्स का आप इस्तेमाल करोगे। द हीटेड निडल इज अप्लाइड ऑन द अफेक्टेड एरिया। जो निडल आपने गर्म की है वो अफेक्टेड एरिया पे लगानी है, एंड अंटिल इट रीच टू द बोन आफ्टर क्रॉसिंग स्किन एंड मसल्स। और जब तक लगाए रखनी जब तक वो चमड़ी को भेद के किस में ना पहुंच जाए, मसल्स में ना पहुंच जाए। अगला है पेनिट्रेटिंग पॉइंट फायरिंग। देखिए नाम से पता चला पेनिट्रेट, पेनिट्रेट यानी कि यहाँ पे मसल्स को भी पेनिट्रेट करना है, और पॉइंट फायरिंग है यानी कि छोटी सी टिकारी लगानी है और जब तक लगाए रखनी है, वो जब तक दबा के रखनी है जब तक वो चमड़ी को जला के मांसपेशियों के द्वारा हड्डी तक ना पहुंच जाए। रेड हॉट आयरन पॉइंट इज पुट ऑन द अफेक्टेड एरिया अंटिल द स्किन गॉट ब्रंट एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू आर सीन। जब तक वो मांसपेशियां ना दिखने लग जाए, सॉरी, जब तक मांसपेशियां ना दिखने लग जाए। अगला है पस्टुलेंट्स। नाम से पता है पस्टुलेंट्स, पस्टुलेंट्स यानी कि इफ द इन्फ्लामेशन, यानी कि इसमें क्या क्या फॉर्मेशन होगी? पस फॉर्मेशन होगी, और पस फॉर्मेशन होगी तो वो किसका केस बन जाएगा? एब्सेस का। और एब्सेस का क्या इलाज है? कट लगाना है, और कट लगा के क्या निकालनी है? एब्सेस को निकालना है, फिर उसकी क्या करनी है? एएसडी करनी है। तो यहाँ पे पस्टुलेंस देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर हमने क्या करना है, अगर एब्सेस बहुत ज़्यादा है तो दो दो पैरेलल कट लगाने हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो हमें पैरेलल कट लगाकर जो उसके अंदर पस बनी हुई थी उसको पूरी को बाहर निकाल देना है, और सीटोन लेना है। सीटोन कुछ भी नहीं है, पट्टी का टुकड़ा है। उसको कोई भी एंटीसेप्टिक या कोई भी एंटीबायोटिक में डिप करना है गोज को, और डिप करके अंदर से लेकर ऊपर से लेकर बाहर तक बांध देना है। यानी कि जो दो पैरेलल कट लगाए थे उन दोनों को आपस में पट्टी के टुकड़े के द्वारा बांध देना है, इन मांसपेशियों के अंदर से लाकर बाहर तक, ठीक है ना। तो पस्टुलेंट्स देख लेते हैं एक बार। इफ़ द इन्फ्लामेशन इज बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया देन देयर इज पस फॉर्मेशन। अगर इन्फ्लामेशन किसके कारण है? बैक्टीरिया के कारण है, तो वहां पर क्या बनेगी? पस बनेगी। टू ट्रीट दिस इन्फ्लामेशन पस्टुलेंट्स आर यूज। देज आर ऑफ टू टाइप, सीटोन्स एंड रोवल्स। तो सीटोन्स कुछ भी नहीं है। तो आफ्टर मैचुरेशन ऑफ एब्सेस इट इज इंसाइज्ड एट टू प्लेस। दो जगह पर कट लगाना है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक ऊपर और एक नीचे, वन अबव एंड वन बिलो द साइट। दीज कट शुड पैरेलल टू ईच अदर। दो कट जो आपने अफेक्टेड एरिया पे लगाए हैं ये क्या होने चाहिए? एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। आफ्टर ड्रेनेज पस कंप्लीटली, पूरी तरह से पस बाहर निकालने के बाद, ए गोज डिप इन इरिटेंट सॉल्यूशन इज टाइड फ्रॉम आउटसाइड। तो बाहर से उसको बांध देना है ताकि वो जो पार्ट जो कट लगे हैं वो चिपके ना, और जो पस उसमें बनेगी वो उस पट्टी के साथ क्या आ जाए? बाहर आ जाए। और इसी को क्या बोलते हैं हम? सीटोन बोलते हैं। इट इज कॉल्ड सीटोन। आफ्टर टाइंग इट पस एवोकेट्स फ्रॉम डिपेंडेंट पार्ट्स। जो पस है वो अपने आप ही क्या निकलती रहेगी? बाहर निकलती रहेगी। और सीटोन्स में तो हम गोज का इस्तेमाल कर रहे हैं, पट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इस पट्टी की जगह अगर हम सॉफ्ट लेदर का इस्तेमाल करें तो उसी को क्या बोलते हैं हम? रोवेल बोलते हैं। और वो कुछ नहीं है, दो कट लगाना है, उसको बाहर से अंदर तक बांध देना है, पट्टी उस कटों के बीच में से निकाल के बाहर बांध देनी है ताकि वो जो भी पस वगैरह बनती रहे वो बाहर आती रहे। तो
तो यहाँ पर ये इन्फ्लामेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।